So hello guys, welcome to this channel, Maverick Rider. Wait a minute, who are you? तो आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं. क्या नया करने वाले हैं? ये कैमरा क्यों ऑन है? अरे हम एक चैलेंज करने वाले हैं. चैलेंज करने वाले? हाँ. मतलब चैलेंज करने वाले हैं. मतलब ये क्या है? कैमरा ऑन है. तुम Maverick Rider ये तो ट्रेवलिंग का ब्लॉग है ना? नहीं, अब थोड़े ब्लॉग से हट के करना चाहिए ना कुछ. क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ा चैलेंज फन के लिए. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. ये भी है क्या? ये भी है. तो आज हम करने वाले हैं ट्रुथ एंड डेयर. ये भैया के लिए सरप्राइज हो गया, इसीलिए इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप. ये बॉय. ये मुझे बताओ, ट्रुथ एंड डेयर तो मतलब हम कुछ बॉल वगैरह स्पिन करेंगे या फिर मतलब क्या करना? नहीं, वो स्पिन नहीं करना. ये हमने कुछ अलग से, जैसे कि इसमें बॉल में चिट्स हैं, चिट्स में लिखे हैं ट्रुथ और डेयर, और इसमें दो राउंड्स होंगे. दोनों राउंड्स में दो दो अटेम्प्ट्स मिलेंगे. जो हार गया तो उसका क्या होगा? उसका पनिशमेंट है. क्या पनिशमेंट? अब ये तो नहीं बताएंगे, उसके लिए सरप्राइज होगा. तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना ये फन चैलेंज जिसका नाम है ट्रुथ एंड डेयर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. पहला राउंड स्टार्ट करते हैं. पहला राउंड का पहला अटेम्प्ट है ये. You have to eat neem leaves. वो जो नीम के पत्ती होता है वो खानी पड़ेगी. उसको खानी है. You serious? नहीं यार, ये तो लोग कौन खाएगा? गलती है तो खाना तो पड़ेगा. किसी ने कहा तुम ये पहला है और मैं खाना नहीं चाहती. रोकते हो? नहीं, एक कभी नहीं खाना. पानी दे देंगे. बाद में गाइस हेल्थ के लिए अच्छा होता है. ये सुन ये की डेयरिंग लड़की है ये. ओके, वो मुझे भी पता है मैं डेयरिंग हूं. चैलेंज स्टॉप होता जा रहा है. सो गाइस, अब मेरी बारी है. मैं कोई इसमें से एक चीज जंबल कर दे. जंबल कर रही हूं. इतना इजी तो दो मिलेंगे. इजी आना चाहिए गाइस. टप 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 टप. ये लो ट्रुथ देखो क्या है. यस यस यस. ओह माय गॉड, वाओ. ये क्या लिखा है? इसमें लिखा है, What is the awkward situation happened with you till now? अभी तक तुम्हारे साथ इतना क्या हुआ है? बहुत इजी है. I'm happy. You. काम कर लो. क्या डाल रहे हो? अरे you. So guys, मैं आपको ट्रुथ बताता हूँ. एक्चुअली मैं फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करता था. ये बहुत पहले की बात है. जब मैं बैंगलोर जाता था, मैं बैंगलोर है बस से जाता था. तो यार ना, जब जाते हैं बस में तो दो सीट होती है, यू नो दैट राइट. तो एक हम बैठे रहते थे साइड वाले में और एक मेरे बगल में एक अंकल जी आए. अरे यार, अपन बैठे, अपन जा रहे हैं अब बढ़िया, कांच वांच चारों साइड से बंद. अब लग गई है, टीवी हो गई है चालू, मूवी लग गई है. अब लोग बिल्कुल हो गए हैं अपने मूवी में बिल्कुल मगन. यहाँ अंकल जी हो गए अपने में मगन. हम बिल्कुल एक्साइटेड होके मूवी देख रहे हैं. क्या मूवी आ रही है? कोई साउथ की मूवी थी, एक्शन मूवी थी, मजा आ रहा है. अंकल जी बोलते
सबसे अक्वर्ड मोमेंट बिल्कुल बोल भी नहीं सकते, हम बोल सकते वो अंकल जी ऐसे करके बैठे यहाँ पे स्मेल आ रही है, यहाँ से स्मेल आ रही है, इतना अक्वर्ड मोमेंट में कुछ स्मेल मुंह भी नहीं बना सकता ऐसे से, कभी उनको बुरा लग जाएगा। मन कर रहा था गाइस में उठ के वहां से चला जाऊं, पर मैं कैसे भी करके मतलब ऐसे ऐसे कुछ करके अपने वहां पे बैठा और सभी देख रहे हैं अंकल जी को। गाइस वो मोमेंट यार सबसे ऑकवर्ड मोमेंट। आप कुछ तहलका होने वाला, आपको बहुत ही मजा आएगा, इवन हम लोग मजे लेने वाले डेयर। ये है इसको अपने सर में रख के ये कॉपी ये नोटबुक कर रखे हैं। वो स्लिपरी है। I don't know। तुमको डांस करना है। अगर ये डांस नहीं कर पाया तो इसका पनिशमेंट होगा। इसका पनिशमेंट क्या होगा? लास्ट में बताएंगे। लास्ट में सरप्राइज है गाइस। तो ये काफी अच्छा है। एक्साइटेड। चलो। चलो डांस करो प्रिया। एक मिनट तक गाइस, एक मिनट तक डांस होगा। ये देखिए मतलब ये अपने बारे में क्या चेंज करना चाहते हैं? नॉर्मल ही है तो बोलो। जैसे ही नॉर्मल है तो ऐसे मैं भी नॉर्मल सही है कि मैं हर चीज को टालता हूँ। टालने की गंदी आदत है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ पर चेंज कर नहीं पाता। हाँ गाइस ये थोड़ा सा मतलब तो मोरल टाइप हो गया, मतलब बहुत सीरियस वाली बात हो गई। तो गाइस बात ये है कि ये सीरियसली हमें जो करना है वो टालना नहीं चाहिए, हमें करते रहना चाहिए। इसने भी सोचा है चलो आई एम प्राउड ऑफ यू कि जो सोचते वो करो। इवन इसके लिए मैंने गिटार लिया, ये चैनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ये बस वही लेजी लेजी ये लेजी है, मतलब अगर तुम खा सकते हो लीव्स तो मैं खा सकता हूँ चिलीज। क्या बढ़िया था गुरु। टेस्टी लग रही है मुझे। हार जाऊं क्या? नहीं मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है भैया। छोड़ो, हार मत जाओ, हार मत जाओ।
हारना तो हमने सीखा ही नहीं। सीख लो नहीं नहीं हारना तो हमने सीखा ही नहीं है भाई। भैया बहुत तीखी होगी अंडे यार। मेरी हालत बहुत खस्ती है, मेरे ये कान से पता नहीं पर्दा लगता निकल गया भैया, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से और सो बटरिंग मतलब लग रहा है पानी पानी आ रहा हूँ मैं। ईंटा बनाना विदाउट यूजिंग योर हैंड्स, बिना हैंड्स यूज करे आपको बनाना करना है। लो क्या लो विकास रही थी ना लो। कैसे गाइस कैसे हो गई मुझे नहीं पता पूरा है पूरा कितना नहीं चाहिए जल्दी चाहिए तो हाय ओ ओ अरे क्या गलत हो गया मान गया यार, अब हार रहे हैं जीत रही है ना ये तो भी टाइम नहीं है। हां अरे कोई चांस नहीं है यार टाइम नहीं है। एक मिनट हाय स्टार्ट करते हैं आज का बेटा जी टाइम स्टार्ट ना ना जब हो तो टाइम नहीं है लाइव पूरा करना है। अरे ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं पूरा कर लेंगे ना। हां टाइम का उद्देश्य क्या है। हां अभी एक मिनट स्टार्ट करते हैं ठीक है 9 8 7 6 5 4 इस राउंड में जो जीता वही सिकंदर है और जो हारा उसके लिए हमारे पास एक सरप्राइज है। और इसमें एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, एक ही अटेम्प्ट है। तो तुम क्या मानना चाहोगे क्या सोचो जल्दी जल्दी बताओ अभी समय है क्या है मांगी अब देखते हैं क्या मांगी क्या रहते हैं। हां मैडम तो ये होगा कि गॉड ये लॉकडाउन हटा दे यार मैं कौन बोलूंगा इस लॉकडाउन से मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं ये ले रहा हूँ चलो देखते क्या है। Truth, अरे यार Truth, Truth, this one and this one is that if you could be invisible, what is the first thing you could do? Yeah. You would do. So guys, ये थोड़ा सा सीरियस मैं बोलना चाहूँगा, अगर मैं इनविजिबल होता हूँ तो इस देश में जो ना लड़कियों के लेके गलत भावनाएं हैं, जो ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं, जो हमारे नेता पॉलिटिशियन हैं जो हमें वादे करते हैं कुछ करते नहीं, मैं उनके साथ इनविजिबल होके उनको परेशान करूँ, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। नथिंग टू डू, दिस इज माई ओपिनियन, क्योंकि यार हम उनको जिताते हैं, हम उनको कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं, बट दे आर लाइक पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए।
है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को समझो। Exactly. So, yeah, this is my point. बेटे बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह। होंगे और छोटा सा बच्चा तो बनना है बॉस, करो चलो फिर को भी दबा देना, वो भी इम्पोर्टेंट है ताकि नोटिफिकेशन यू नो आप पाए। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी होम और स्टे करो, घर में रहो बस, इस समय अपने आप को मिलते हैं, डर लगे यू कैसा यू ये तेरे बाय बाय।